हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे किसी भी वेब पेज को अपने ऑफलाइन ब्राउजिंग के लिए पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं ये काम करूंगा गूगल क्रोम में, ठीक है, क्योंकि गूगल क्रोम मोस्टली वाइडली यूज है, हर बंदा यूज करता है उसको। तो इस वजह से मैं ये काम करने के लिए आपको ट्रिक गूगल क्रोम की बताऊँगा, ठीक है। तो शुरू करने के लिए आप लोगों को एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है अपने क्रोम ब्राउज़र में इंस्टॉल करने के लिए, उसका नाम है सेव एज पीडीएफ। आप इसको जस्ट ऐड टू क्रोम करें और ऐड एक्सटेंशन करें, ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी, ये देखो, ठीक है। जब ये डाउनलोड होगा तो आप लोगों ने करना ये है कि जिस भी पेज को आप लोगों ने डाउनलोड करना है उसको ओपन करें और इसी आइकन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, ठीक है। जब इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेसिंग करेगा, इसको प्रोसेस होने का जो टाइम है उसका वेट करें, ठीक है। तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स डाउनलोड का, ये ऑटोमेटिक डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी थ्रू गूगल क्रोम डाउनलोडर। तो इसको स्टार्ट डाउनलोड करें, तो ये डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। इसको ओपन करके आप चेक कर सकते हैं कि आप लोग इसको ऑफलाइन, जब आपके पास इंटरनेट नहीं होगा तो आप लोगों ने कुछ आर्टिकल पढ़ना हो, ठीक है, तो आप उसको वो यूज़ कर सकेंगे इजीली, ठीक है। तो एक तो मेथड था कि आप लोग एक गूगल क्रोम की एक्सटेंशन इंस्टॉल करें और उसके थ्रू अपने किसी भी वेब पेज को पीडीएफ में डाउनलोड करें। अब एक दूसरा हैंडी मेथड है कि अगर आप लोग एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो आप लोगों को करना ये है कि आप लोगों ने कंट्रोल पी अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है, ठीक है। तो ये प्रिंट स्क्रीन आ जाएगा, मतलब आपके जो पेज है उस पेज का आप लोगों ने प्रिंट लेना है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई और चीज़ आ रही है तो आप लोगों ने उसको पीडीएफ में करना है, तो उसको करने के लिए आपके पास ये चेंज का बटन है, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी इधर प्रिंटर आ रहा हो या फैक्स आ रही है या जो कुछ भी आ रहा है, ठीक है, तो आप लोगों ने उसको चेंज करके सेव एज पीडीएफ कर, ठीक है। उसके बाद आपने सेव के बटन का प्रेस करना है और वो आपसे डेस्टिनेशन लोकेशन पूछेगा कि आपने इसको कहाँ सेव करना है, ठीक है। तो इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर दूँ, तो ये मेरा पीडीएफ में ऑफलाइन ब्राउजिंग के लिए ये सेव हो चुका है। हम इसको भी ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है, ये देखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोगों को कोई चीज़ पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में वो कमेंट करें, ताकि मैं आप लोगों को रिप्लाई। इस वीडियो की रिप्लाई, बाय बाय।